Hello, hi there guys. Today I'm going to tell you how to add banners on WooCommerce pages. यानी कि हम product के यानी कि product detail या product के top पे shop cart और checkout के page पे top पे banners कैसे add कर सकते हैं without any custom काम. ठीक है, नहीं custom work, कोई हमें code word में का जाना नहीं पड़ेगा. Plugin का नाम है दोस्तों बैनर मैनेजमेंट फॉर वूकॉमर्स. ठीक है जी, प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है, इसको मैं प्लगइन को एक्टिवेट करता हूँ. ठीक है जी, प्लगइन मैंने एक्टिवेट कर लिया. प्लगइन एक्टिवेट हो गया जी. ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ इसको मैं. काउंट मी इन कंटिन्यू करा, इसको भी कंटिन्यू करा और ये डन कर दिया इसको मैंने. ठीक है जी, ये डन हो गया, सही है. अच्छा जी, अभी हमें सेटिंग्स के पेज पे ले आया है. ठीक है, कहाँ पे सेटिंग्स आ रही है? कमेंट्स के नीचे सेटिंग आ रही है. डॉट स्टोर प्लगइन्स वालों का ये प्लगइन है. ठीक है, जो यूज़र है वर्डप्रेस का वो ये है. अब ये कहाँ कहाँ दे रहा है ऑप्शन हमें बैनर लगाने का, ये अब आपको दिखाता हूँ. अब ऐसे कि मैंने इसमें चेक रिमूव कर दूंगा जो मैंने पहले सेटिंग करी हुई थी इसमें. ठीक है जी, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी हो समझाने में और बताने में. ठीक है, इसको मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि इसमें कुछ सेटिंग सेट करनी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ सही है जी. ये मैंने हटाए सारे चेक्स, अब बचा है ये. ठीक है जी, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव कर दिया. ठीक है, ये सेव हो गया है. ये प्रो प्लगइन अभी हमें इसकी नीड नहीं है, फ्री प्लगइन से काम चलाना है हमें. ठीक है जी, बैनर मैनेजमेंट पर दोबारा आया, हमें नोटिस हटा रहा था फालतू जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ऊपर. ठीक है जी, ये भी हटाया, ये भी हटाया और ये भी हटाया, सही है. अब आ गए अपने सेटिंग की तरफ. ठीक है, ये आ गए हम डिफ़ॉल्ट उस पर कि भाई ये प्लगइन इंस्टॉल्ड हो, यहाँ पर ये सेटिंग्स आ रही हैं. ठीक है, जो सारे क्या कहते हैं हमारे पास चेक ऑप्शन डिसेबल हुए हुए आएंगे. ठीक है जी, इस तरह कुछ ये मैंने सेव करा. ठीक है जी, अब मैं पहले तो आता हूँ सारे पेजेस को चेक करता हूँ अभी कैसे आ रहे हैं पेजेस हमारे पास. ठीक है, मेन चीज़ ये है, मैं आया शॉप के पेज पे. ठीक है, शॉप के पेज के ऊपर अब कोई बैनर नहीं आ रहा, ऊपर ये एक हेडर आ रहा है. ठीक है जी, इसी तरह मैं आता हूँ कार्ट के पेज पे और चेकआउट के पेज पे. तो चेकआउट के पेज पे भी कोई बैनर नहीं आ रहा, नॉर्मल टाइटल आ रहा है पेज हेडर. ठीक है, और कार्ट पे भी ऐसे ही आ रहा है. ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका बैनर फॉर शॉप पेज इनेबल करता हूँ. ठीक है जी, जो कि इस पेज पे बैनर ऐड हो जाएगा, ये इसको फिर हाइड करा देंगे, डिस्प्ले नन करा देंगे. ठीक है, सिंगल बैनर हमारे फ्री है, अलाउ है, और अगर पेड ऑप्शन चाहिए जिसके आगे ये येलो आइकन बना हुआ है तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे वो प्रो वाले ऑप्शन है सारे. ठीक है जी, ठीक है, डेट भी ये मेंशन हो जाएगी भाई कब ये स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, यानी हटेगा डेट. डेट मेंशन करने के लिए भी ये सेट बैनर ऑन टॉप, ये सारे ऑप्शन हैं पेड प्लगइन के अंदर. सिंगल बैनर ले रहे हम. ठीक है, अपलोड फाइल, अब कोई भी अपलोड फाइल हो जाएगी या कोई स्पेसिफिक साइज़ के अंदर रखना पड़ेगा, ये चेक करते हैं इधर हम. ये मैंने एक इमेज रैंडम थी सेलेक्ट करी. ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करा. ठीक है जी, ये हो गया. अब एक और मैंने इमेज सेलेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ ये कोई साइज़ का ऑप्शन तो नहीं दे रहा. ये इमेज सेलेक्ट करी मैंने, ये देखिए भाई, ये कह रहा है मैक्सिमम रेशो जो होना चाहिए इमेज का 1800x600 पिक्सल होना चाहिए. ठीक है जी, तो इसको फोटोशॉप पर आप रिसाइज़ करें, ऑनलाइन रिसाइज़ करें, आपके ऊपर है. इमेज का साइज़ यही होना चाहिए ताकि हर स्क्रीन पर सेट आए और यहाँ पे एरर भी शो ना हो. ठीक है जी, मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ, डमी इमेज एक. ठीक है जी, ये ले लिया मैंने. अब कोई गूगल का लिंक ले दें भाई, google.com. ठीक है, बैनर पर लिंक क्या आना चाहिए, google.com आना चाहिए. सेल्फ विंडो क्लिक करे खुले या फिर न्यू विंडो में खुले. ठीक है, मैंने भाई सेल्फ विंडो रहेगी, नो फॉलो रहेगा. ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, सही है जी. और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए भाई बेहतरीन. अब जितना बैनर की साइज़ थी उतनी उसने हाइट ले ली है. ठीक है जी, ये वाला अगर मैं चेंज करता हूँ बैनर, कुछ और लगाता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे ढंग का, तो ये वाली इमेज रखते हैं हम. इस पर एरर आ रहा है. ठीक है जी,
ये इमेज रखते हैं, ठीक है जी, ये इमेज रखते हैं, इस पर साइज़ मैंने सेव किया इसको। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये थोड़ा बेहतर आ रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये शॉप के पेज पे देखते हैं कि इसके अंदर कैडेंस थीम जो यूज़ कर रहे हैं हम, उसके अंदर पेज टाइटल स्पेसिफिक हाइड करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है जी। मैं गया, मैंने शॉप के पेज लिखा यहाँ पे शॉप, ठीक है जी, शॉप लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये शॉप का पेज आ गया। इसको मैं एडिट करता हूँ शॉप के पेज को, ठीक है जी। शॉप के पेज को मैंने एडिट किया और इसमें क्लासिक एडिटर इनेबल कर लिया ताकि हमारे पास पुराना व्यू आ जाए भाई। ऑप्शन तो वैसे भी आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें बैनर, हेडिंग, सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें पहले क्लासिक एडिटर इनेबल कर लें ज़रा, क्लासिक, अच्छा जी ये कैडेंस थीम का ऑप्शन आ गया। मैंने कहा पेज टाइटल डिसेबल कर दो भाई, इसको मैंने अपडेट किया ताकि हमारा बैनर टॉप पे आ जाए, सही है जी। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा बैनर गायब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने उसको डिसेबल कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने क्या किया, एक पेज का भी इनेबल किया है, सही है, यानी कि शॉप के पेज का इनेबल किया है मैंने। प्रीव्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं भाई जाके। मैं गया कार्ट के पेज पे, इसको इनेबल किया, सेम बैनर मैं उसके ऊपर रख दूंगा। और एक और चीज़, ये देखें गूगल का लिंक भी आ रहा है इस पर लगा हुआ, ठीक है जी, तो लिंक भी हमारा लग गया। ये आपका फ्री है, नॉर्मली कस्टम होती हैं चीज़ें, ये एक ही प्लगइन है बैनर मैनेजमेंट का जो मैंने देखा है अभी तक, और फ्री है ये। इसमें आपकी सारी चीज़ें तकरीबन मैनेज हो रही हैं। यही इमेज मैं दोबारा रिपीट कर लूँगा, ठीक है जी। याद रखिए 1800x600 के पिक्सल की आपकी इमेज होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे एरर ना दे, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, कार्ट पेज पे भी कर लिया, अब चेकआउट पेज का भी सेम यही करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं बार बार नहीं आना पड़े, वीडियो लंबी ना हो हमारी ज़्यादा। ये मैं आया मीडिया पे, दोबारा मैंने यही सेम इमेज यहाँ रख दी। आपको जो इमेज रखनी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लिंक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, प्राइवेट विंडो में खुलवाना है वो खुलवा सकते हैं, ये लिंक रिलेशन SEO के पर्पज़ के लिए उसमें फॉलो फॉलो कर लें आप जो आपको सही लगे भाई इसमें, ठीक है जी। थैंक यू पेज पे भी आप लगा सकते हैं बैनर, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करी दोबारा से, कोई भी इमेज ऐड कर देता हूँ अभी मैं, ठीक है जी, ये ऐड हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब शॉप का पेज हमने कार्ट के पेज पे करा है, ठीक है जी, एक कार्ट के पेज पे लगाया हमने, ये आ गया। अब इसका बैनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये हुक टॉप पे आए तो आपको फिर वो कॉमर्स के हुक्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसके अंदर ACF की फील्ड यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट स्टैटिक डाल सकते हैं हुक यूज़ करते हुए कि भाई ये इस हुक के ऊपर इमेज शो हो जाए, ठीक है जी। फिलहाल इसने यहाँ पे ऐड करी है इमेज को। इसी तरह मैं कार्ट के पेज पे आऊँगा, कार्ट के पेज पे भी आपको अलग अलग जाके सबके टाइटल बार हाइड करने, तो आप कर सकते हैं ये इमेज की स्पेसिंग और फुल विड्थ। कंटेनर ही इसका ऐसा होगा जैसे इसी वजह से ये आपके कंटेनर में आ रहा है, आप फुल विड्थ पे करेंगे तो फुल विड्थ पे सेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये फुल विड्थ पे सेट हुआ है लेआउट, तो ये यहाँ पे इस तरह आ रहा है, ठीक है, ये कंटेनर वाला है तो ये इस तरह आ रहा है। आपको अगर चाहिए अपने हिसाब से लेआउट तो आप वो कॉमर्स का हुक्स यूज़ करते हुए, दोबारा बताऊँ कि हुक्स यूज़ करते हुए ACF की फील्ड यूज़ करते हुए आप टॉप पे बैनर लगाते हैं, किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, अभी फ़िलहाल ये इस पर फोकस करते हैं हम। ये भी इसी तरह होगा, पेज टाइटल आपको हाइड करने, एडिट करेंगे पेज जाके पीछे से पेज टाइटल हाइड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से करके दिखाया। कैडेंस थीम यूज़ हो रही है, नॉर्मली फ्री थीम्स के अंदर ऑप्शन आता है आजकल डिस्प्ले करने का, वरना उसको डिस्प्ले नन कर दें, ठीक है जी। ये हमारे दो पेजेस हो गए, चेकआउट हो गया, शॉप हो गया, और आपका कार्ट हो गया, ठीक है, तीन पेजेस हो गए, थैंक यू पेज भी हो गया, चार हो गए। अब आते हैं हम ग्लोबल के ऊपर। अब ग्लोबल के ऊपर ये क्या ऑप्शन दे रहा है जी, बैनर साइज़ के ऑप्शन दे रहा है 100% फिक्स, ठीक है जी। मैंने कहा भाई फिक्स टू कंटेनर नहीं है, 100% करो उसको, ठीक है। और अच्छा प्रोडक्ट इमेज, अभी जो है प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट पे कोई इमेज आ रही है, चेक करते हैं, नहीं है जी, प्रोडक्ट की कोई इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। मैं गया इस पे, मैंने इनेबल किया सेट कॉमन बैनर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, या अदर न्यू पेज बैनर सेटिंग्स। मैंने कहा भाई सेट कॉमन फॉर ऑल, एक ही प्रोडक्ट, एक ही इमेज बैनर रखो, ठीक है,
और अगर आपको स्पेसिफिक बनाना है तो वो ACF से आप फील्ड बना के कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। वो भी हुक यूज़ करते हैं, वो हो सकता है कि हर प्रोडक्ट की फील्ड के अंदर सिंगल प्रोडक्ट पे आप फील्ड सेट करेंगे और वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग बैनर बन जाएगा डिटेल पेज के लिए। ठीक है जी, ये कर लिया मैंने। अदर पेज सेटिंग यानी अदर बैनर सेटिंग्स, ये ग्लोबली कह रहा है। ठीक है, ग्लोबली फ़िलहाल छोड़ते हैं हम। आया, मैं रिफ़्रेश किया पेज को, मैंने यहाँ पे बैनर ऐड होना चाहिए, नहीं हुआ। ठीक है जी, चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ भाई ये। अच्छा जी, मैंने कहा भाई इसको भी ऐड करो और इमेज यहाँ पे ये सेट करो। सूप प्लगइन के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है जी, ये ऐड हो गया हमारे पास। और इसके अंदर आपको मज़ीद डिफ़ॉल्ट अगर ये है, ठीक है, मज़ीद ऑप्शन चाहिए जैसे प्रोडक्ट कॉमन पेजेस, कैटेगरी पेजेस, तो ये आप यहाँ पे क्लिक हियर टू। अच्छा, वो बैनर आपको वहाँ सेट सेट करने पड़ेंगे, ये शायद प्रो प्लगइन के ऑप्शन है सारे। ठीक है जी, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ इसको ये चेक करता हूँ वू कॉमर्स के अंदर कैटेगरीज में आगे प्रोडक्ट्स की, कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है जी, यहाँ पे आया मैं, ये एक इमेज ऐड हुई हुई है कैटेगरीज के अंदर, मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है जी, एडिट किया मैंने इसको कैटेगरी को। अच्छा भाई, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है ये। ठीक है, तो सिंगल इमेज बैनर फला फला कैटेगरी के अंदर भी आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जहाँ तक इसमें मुझे ऑप्शन लग रहा है फ्री के अंदर। मैंने इसको ऐड किया, बैनर का लिंक लगाया, यहाँ पे बैनर का साइज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि 50% डिफ़ॉल्ट टाइटल शो कैटेगरी। ठीक है जी, कैटेगरी टाइटल साइज, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, टेक्स्ट कलर ये कर दिया, डमी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है जी, और सेव कर दिया। सही है जी, अब हम आते हैं अपने शॉप के पेज पे। ठीक है जी, शॉप के पेज पे आया मैं, शॉप के पेज के ऊपर। अच्छा, कैटेगरी तो वो शो हो नहीं रही हमारे यहाँ पर, देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, स्पेसिफिक इस कैटेगरी को ओपन करा लेंगे हम यहाँ से व्यू कैटेगरी करके। तो इसमें तकरीबन आपके वू कॉमर्स के सारे पेजेस कवर हो गए। जो पेजेस कवर नहीं हो रहे हैं, फिर उसमें पेड ऑप्शन आपको प्ले पेड प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए जी, आपका ये आ गया, इसको आप डिस्प्ले ऑन कर दें। ठीक है जी, और इसको अगर मैं 100% फिक्स टू कंटेनर करता हूँ, ठीक है, और ठीक है जी, लिंक यहाँ पे भी डालने का ऑप्शन है, मैंने इसको सेव किया, अपडेट करता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने फ़िक्स कर दिया कंटेनर के हिसाब से। आपको फुल विड्थ करना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको CSS से। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं टेक्स्ट बैनर के हिसाब से कि यहाँ पे टेक्स्ट ये आ रहा है। ठीक है, और इसमें मज़ीद और क्या चीज़ें हो सकती हैं जी, अदर स्पेसिफिक बैनर कैटेगरी बैनर सेटिंग्स, टैग टैग का पेज होता है कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली हैं। अब जो चीज़ें आपको चाहिए एक्स्ट्रा या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो बहुत सारी चीज़ें भीड़ है, लेकिन आई होप इसके अंदर फ्री प्लगइन के अंदर आपके सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।